दोस्तों, जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका महत्व हम तब तक नहीं जानते जब तक कि वो आसानी से मिलती रहती हैं। ऐसे में से एक चीज है टॉयलेट। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा सुबह का साथी, दिन का दोस्त और रात का बड़ी। दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस हमें तब जाकर पता चलती है जब हम मार्केट में हों और जोर से प्रेशर आ जाए, है कि नहीं। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने एक से बढ़कर एक टॉयलेट को बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे अजीबोगरीब बाथरूम दिखाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे खतरनाक और मजेदार बाथरूम को देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपसे है एक रिक्वेस्ट कि हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी मजा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बाद में फिर मत कहना। लेकिन शुरू करने से पहले नए दर्शक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को प्रेस जरूर करें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, ये हुई ना बात। नंबर वन, दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पॉपअप टॉयलेट। जी हाँ दोस्तों, आपने भी कई बार ऐसा फील किया होगा कि जब भी आप मार्केट जाते होंगे या कई बार जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते होंगे, तो कई बार प्रेशर आने के बाद हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोप में कई ऐसे देश हैं जहां पर की पॉपअप टॉयलेट की शुरुआत हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बस इस टॉयलेट को पुश करना है और ये रोड से निकलकर ऊपर की तरफ आ जाएगी। दोस्तों ये देखो कैसे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे ये टॉयलेट बाहर की तरफ आ गई है। बस अब आप इसे यूज कर सकते हैं, है ना, ये कमाल की चीज। नंबर टू, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं द सेफेस्ट टॉयलेट, जो कि बनाया गया है चीन में। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकर हंसी भी आएगी कि इस टॉयलेट को बुलेट प्रूफ बनाया गया है। इसे ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि यहाँ अगर ब्लास्ट भी कर दिया जाए तो टॉयलेट को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आखिर टॉयलेट में कौन किसको गोली मारने आएगा भाई, जो इसे बना दिया है बुलेट प्रूफ। नंबर थ्री, सी थ्रू टॉयलेट। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपको बड़ा मजा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये टॉयलेट है सबसे निराला। दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप इस टॉयलेट को बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये मिरर है, यानी कि शीशा। लेकिन अंदर जाते ही दोस्तों, आप आराम से टॉयलेट यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए कैसा है नजारा। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ जो भी करता होगा टॉयलेट, वो अपने आप को इस मार्केट का हीरो समझता होगा, क्योंकि वो सबको देख सकता है पर उसे कोई नहीं। नंबर फोर, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं 29 मिलियन डॉलर का बाथरूम। जी हाँ दोस्तों, इस बाथरूम का नाम है सॉलिड गोल्ड, यानी कि इसे बनाया गया है सोने से। दोस्तों ये बनाया गया है हांगकांग के एक होटल, जो कि सिर्फ प्रमोशन के लिए है। दोस्तों कई लोग आते हैं इस होटल में सिर्फ टॉयलेट को देखने के लिए। नंबर फाइव, दोस्तों ये है स्विस नाइफ बाथरूम, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जी हाँ दोस्तों, ये कमाल का टॉयलेट किसी को भी पागल कर दे। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये 7 स्टोरेज बाथरूम है, जिसमें कि हर फ्लोर पर आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। जैसे कि 5th फ्लोर पर चिल्ड्रन बाथरूम है, तो वहीं दोस्तों 1st पर नॉर्मल टॉयलेट। दोस्तों साथ ही आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी यूज करना है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन ब्रो रुको रुको, आप किस शहर से, किस गांव से, किस देश से हमारा ये वीडियो देख रहे हो, तुरंत कमेंट करके बताइए ना। नंबर सिक्स, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा बाथरूम जिसे यूज करते समय आपको लगेगा कि आप समंदर में ही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी कमाल का बाथरूम है, फ्लोटिंग बाथरूम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बना है अमेरिका में। हालांकि दोस्तों ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कैसे यहाँ पर कोई पहुँचता होगा। लेकिन दोस्तों एक बार यूज करने के लिए आपको $500 खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों ये शौकीन बाथरूम ही है। नंबर सेवन, जेम्स बॉन्ड बाथरूम। जी हाँ दोस्तों, वही 007 जेम्स बॉन्ड, जो कि हैं सुपरस्टार। लेकिन दोस्तों जो हम आपको इस बाथरूम के बारे में बताने वाले हैं, उसे सुनने के बाद आपको बड़ी हंसी आएगी। दोस्तों जिसे भी इस वॉशरूम को यूज करना है, उसे कई नेविगेशन से गुजरना होता है। दोस्तों इमेजिन करिए कि अगर आपको लगी है जोर से और बाथरूम जाने से पहले आपको CID की तरह अलग अलग नेविगेशन के बाद बाथरूम पहुँचना हो, तो कहीं इतने में आपके पैंट में ही ना हो जाए। नंबर एट, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक्वेरियम बाथरूम, जिसे बनाया गया है जापान देश में। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जापान के लोगों को टेक्नोलॉजी की बड़ी कदर है और यहाँ के लोग बड़े ही इनोवेटिव होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये समंदर के अंदर बना हुआ दुनिया का पहला बाथरूम है। कहा जाता है कि इस बाथरूम का यूज करते समय आप आसपास के अलग अलग कछुए और समुद्री जानवरों का नजारा देख सकते हैं। नंबर नाइन, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेस्टरूम। दोस्तों इसे बनाया गया है चीन में। जी हाँ दोस्तों, ये भी कमाल का वॉशरूम है, जहाँ आपको एक साथ 100 से ज्यादा अलग अलग तरीके के बाथरूम दिखते हैं। दोस्तों कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि ये टॉयलेट ही है या कुछ और।
बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर शायद आपको टॉयलेट भी ना आए। नंबर 10, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं सेफ हाउस टॉयलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस टॉयलेट के बारे में सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस टॉयलेट में जो भी जाता है उसे पहले से ही पासवर्ड दिया जाता है और आपको वो पासवर्ड 8 लीटर का देंगे, लेकिन सिर्फ एक बार। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या पासवर्ड मिला था, क्योंकि अगर भूल गए तो फिर आपको दोबारा पासवर्ड नहीं मिलेगा। नंबर 11, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं अर्बन इकोलॉजी सेंटर बाथरूम को। दोस्तों आपको लगेगा कि इसमें क्या है ऐसा, तो आपको बता दूं कि ये दुनिया का एकमात्र टॉयलेट है जिसका कॉन्सेप्ट रेन वाटर के साथ शुरू हुआ। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इस बाथरूम में यूज होने वाला पानी रेन वाटर का ही होता है। नंबर 12, दोस्तों अब आप देख लीजिए डिसअपीयरिंग बाथरूम। जी हाँ दोस्तों, ये है स्पेन में। दोस्तों आपको बता दूं कि बाथरूम अलग अलग तरीके से मूव करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा बाथरूम है जो कि किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। हालांकि इसकी टॉयलेट में आप हाइड एंड सीक भी खेल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप टॉयलेट करने के लिए रेडी होंगे पता चला कि बाथरूम डिसअपीयर हो गया। वैसे दोस्तों ये टॉयलेट है या जान लेने की जगह बताना मुश्किल है। नंबर 13, आर्कटिक आउटहाउस। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि अंटार्कटिका में कैसा बाथरूम तैयार किया गया है। दोस्तों ये बात तो आपको ही पता ही है कि इस जगह बाथरूम करना और वो भी बाहर निकलकर मौत के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ही इतना नीचे रहता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है उसमें हमेशा ही आग जलती रहती है। साथ ही दोस्तों आपको सच में आग के नीचे बैठकर ही बाथरूम यूज करना पड़ता है। सोचिए जरा, नीचे आग और ऊपर आप, टॉयलेट तो करना ही है। नंबर 14, EBB बाथरूम। दोस्तों ये है दुनिया के सबसे महंगे बाथरूम्स में से एक। जी हाँ दोस्तों, इसे पहली बार बनाया गया था इटली में, लेकिन अब यूरोप के कई देशों में इसे देखा जा सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि इस बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए आपके जेब में कम से कम $1,000 होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ बड़ा ही मजा मिलता है, क्योंकि इस बाथरूम के टाइल्स से लेकर सब कुछ वर्ल्ड क्लास होता है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन कई बड़े स्टार्स ने अपने घरों में इस तरह का बाथरूम बनाया है। भाई क्यों नहीं बनाएंगे, जब पैसा है तो जो मर्जी आप करो। नंबर 15, दोस्तों वैसे तो सभी को बियर बार में जाना और वहाँ पर मस्ती करना बड़ा पसंद है, लेकिन दोस्तों जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो सबसे मस्त चीज है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बार 89 बाथरूम को। भाई जिसका भी ये कॉन्सेप्ट है वो वाकई में कमाल का इंसान होगा। दोस्तों आपको बार में तो रंगीन माहौल मिलता ही मिलता है, लेकिन बाथरूम में भी बार का सुख मिले ये तो पहली बार ही आप देख रहे होंगे। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो लोग कुछ नया चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन्हें इटली में इस बार टॉयलेट को जरूर देखना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको कौन सा टॉयलेट अब तक सबसे ज्यादा पसंद आया है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। नंबर 16, कोलंबिया टावर। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा बाथरूम। जी हाँ दोस्तों, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ टॉयलेट, जो कि 76वें फ्लोर पर है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से जो भी बाथरूम करता है उससे पूरे शहर का नजारा साफ साफ दिखता है। कहते हैं कि इस बाथरूम का व्यू भी कमाल का है, और जो भी इंसान एक बार यहाँ बाथरूम कर ले वो हमेशा इस एक्सपीरियंस को याद रखता है। दोस्तों क्या आप इस तरह के बाथरूम में जाना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 17, दोस्तों अब जरा इस टॉयलेट को भी देख लीजिए, इसे देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए किस तरह का 3D इफेक्ट दिया गया है बाथरूम को। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये बाथरूम नहीं बल्कि कोई कौवा हो। दोस्तों पहली नजर में ऐसा देखकर कोई भी डर जाए। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी इस टॉयलेट को पहली बार यूज करता है वो बहुत घबरा जाता है। आधे लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि ये 3D इफेक्ट है कि रियल। वैसे वाकई में दोस्तों ये बाथरूम दिखने में बड़ा ही कमाल का लग रहा है। नंबर 18, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि भाई अच्छा है कि मैंने कभी इस टॉयलेट का यूज नहीं किया। दोस्तों ये है शीशे से बना हुआ टॉयलेट, जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि टॉयलेट सीट तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि सीधी चोटी हो जाती है। दोस्तों लेकिन बात कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस बाथरूम को भी लोगों को डराने के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन दोस्तों जिसे ये पता है कि इसके फ्लोरिंग शीशे से हुई है वो आराम से यूज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जिन्हें ये नहीं पता है कि ये शीशा है या क्या, वो इस बाथरूम का यूज करना ही नहीं चाहते। कमाल की बात है कि आजकल बाथरूम भी ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कि इंसान डर जाए। नंबर 19, दोस्तों अब इस बाथरूम को देखकर किसकी टॉयलेट निकलेगी, आप खुद ही देखिए। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ की भी कहानी वैसी ही है जैसे इससे पहले वाले की थी, लोग डरते हैं यहाँ आने से। ये देखिए दोस्तों कितना अजीबोगरीब नजारा है इस बाथरूम का।
ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये बाथरूम टूटा हुआ है और किसी भी पल ये बचा हुआ हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर जाएगा? दोस्तों, लेकिन आपको बता दूं कि ये भी एक 3D इफेक्ट ही है, लेकिन जिसका भी ये कॉन्सेप्ट है, जिसने भी इसे डिजाइन किया है, वो कमाल का आर्टिस्ट होगा। वाकई में ऐसा बना दिया है मानो किसी को टॉयलेट करने ही न दे। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 20। दोस्तों, अब इस टॉयलेट का क्या कहना, ये भी है 3D इफेक्ट ही, लेकिन दोस्तों इसे देखने के बाद तो कोई भी डर जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि कई बार डर से आपको टॉयलेट लग भी जाती है तो कई बार आपकी खत्म भी हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये इतना खतरनाक है कि इसे देखकर लगता है कि आप नीचे की तरफ ही गिर जाओगे। दोस्तों, इसे देखकर आपको नहीं लगता है कि ये लिफ्ट वाला गुफा है? वैसे तो दोस्तों इसे देखने के बाद कोई टॉयलेट करने की सोचेगा भी नहीं, लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी इस आर्टिस्ट की जिन्होंने इसे बनाया है। नंबर 21। दोस्तों, आपने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखी होगी, उस फिल्म का नाम था पीकू, याद आया आपको? बार बार इसे बाथरूम आता रहता था। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही बाथरूम को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके होश न उड़ जाए तो आप बताइएगा। दोस्तों, ये देखिए कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये बाथरूम का। दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि कोई अपने गाड़ी के व्हील्स का इस्तेमाल इस तरह से कर सकता है? दोस्तों, ये देखिए कैसे जबरदस्त तरीके से बनाया गया इस टॉयलेट सीट को। बस दोस्तों, आपको अपनी गाड़ी रोकनी है और उसके बाद आपको अपनी गाड़ी के ही व्हील पर इस प्लेट को लगा देना है और शुरू हो जाइए अपना काम करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।